जो प्राइड है कश्मीर में, कश्मीरी होने का, उसको रिस्टोर किया जाए। तो कश्मीरियत के साथ बहुत सारे चीज़ें जुड़ी हैं। धारा 370 समाप्त होने के बाद चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कितना फायदा हो सकता है? लेकिन इस समय की स्थिति में वो बदलाव आया है, लोगों ने समझा है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी हमेशा कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों का दुश्मन है, लेकिन इस बार बीजेपी ने कुछ अलग कर दिया है कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से डिटर्मिंड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल पंच, मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। जम्मू कश्मीर चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने कमर कस ली है, कांग्रेस ने भी अपना प्लान सेट कर लिया है, लेकिन बीजेपी ने इस बार कुछ अलग किया है। जहां पर मुस्लिम ज्यादा है वहां पर मुस्लिमों पर भरोसा जताया है। आज हम इसी को लेकर तमाम सवाल करेंगे, जिनके जवाब देंगे india.com के संपादक अरुण चौबे सर। सर स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि बीजेपी ने जो मुस्लिमों पर भरोसा जताया, कितना फायदा होगा इनको? देखिए, हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि कश्मीर में अब जैसा कि आप जानते हैं कि दो रीजन है, जम्मू और कश्मीर का। तो कश्मीर में अगर आपको चुनाव लड़ना है, वहाँ की पॉपुलेशन आप जानते हैं कि तकरीबन 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको अगर हिंदू मुस्लिम से अलग करके देखें, तो कश्मीर में आपको जीतना है तो वहाँ के लोगों के बीच में ही चुनाव जीतना होगा। तो इस तरीके से देखें तो कश्मीर में भले ही उस वैली रीजन में जो है, इसके पहले बीजेपी की कोई स्थिति नहीं थी, बीजेपी जो है जम्मू रीजन में ही कंसंट्रेट करती थी, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। खासकर जब 2019 के बाद उन्होंने जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, 35A को हटाया गया वहां से, उस स्टेट से, और वो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया। तो उसके बाद और लद्दाख के रीजन को अलग कर दिया गया, तो उसके बाद से परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल गई हैं। आपने देखा होगा, मैं दो एग्जाम्पल देना चाहूँगा, लाल चौक और ईदगाह दो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, है ना। तो वहाँ पर श्रीनगर के आसपास जो डिस्टरबेंस हुआ करता था, अब आप लाल चौक की जैसे मैंने बात कही, तो लाल चौक से जो है बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा है और ईदगाह में बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा है। लाल चौक के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हैं, प्रधानमंत्री की भी बातें जुड़ी हुई हैं कि लाल चौक में झंडा फहराना एक चैलेंज हुआ करता था। और आपको याद होगा 1990 के दशक में जब मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के प्रेसिडेंट हुए, तो उनके साथ में जो उन्होंने यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसमें नरेंद्र मोदी जी उनके साथ में थे, वो बीजेपी प्रेसिडेंट थे। और जब उन्होंने लाल चौक पर झंडा फहराया था, तो उस समय भी उसके ऊपर गोलाबारी हो गई थी, गोलियां चल रही थी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने मैं तो ये कहूँगा कि शायद प्रधानमंत्री मोदी ने उसी समय निश्चित किया था कि लाल चौक पर कभी जीवन में मौका लगा तो हम लोग झंडा फहराएंगे। तो वो ईश्वर का एक तरह से देखा जाए कि स्थितियाँ बदल गई हैं, कृपा हुई है। और अब कि आज की राजनीति के संदर्भ में देखिए तो लाल चौक में क्या स्थिति है। इस समय लाल चौक में जो कैंडिडेट खड़ा है, उसका नाम मैं बताना चाहूँगा, उनका नाम जो है इस समय इंजीनियर एजाज हुसैन नाम है। तो इंजीनियर एजाज हुसैन बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, और वो चुनाव लड़ रहे हैं वो वहाँ पर DDC के जो है, एक तरह से देखा जाए उसके पहले DDC से भी इलेक्टेड हुए हैं, DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, मैं कहूँगा कि वहाँ की जो अर्बन डेवलपमेंट बॉडी है उसमें इलेक्टेड हैं वहाँ पर। तो DDC वहाँ के इलेक्टेड हुए हैं, तो एक तरह से देखा जाए कि उनको पहले ही बीजेपी ने एक मौका दे दिया था, और उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस असेंबली इलेक्शन में लाल चौक कंस्टिट्यूएंसी से उनको खड़ा किया है। लाल चौक कितना डिस्टर्ब, अब उसके बाद में उसको उन्होंने पूरी तरह से 2019 के बाद में उसकी कायाकल्प ही कर दी है। अब इस समय जो पेल्टिंग स्टोन्स का एक हब हुआ करता था, अब वो बदल के वहाँ पर देश भर के टूरिज्म का एक हब बन चुका है। लोग वहाँ जाते हैं, तिरंगा शान से फहराते हैं। और आपने देखा होगा कि जो 15 अगस्त और इस तरह के जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, उन सब मौक़ों पे आपने देखा होगा कि तिरंगा यात्रा के जरिए जो बीजेपी ने जो वहाँ एक अलग सा माहौल पैदा कर दिया है। तो ये परिवर्तन तो हो गया। उसके बाद दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी ईदगाह भी इसी तरह से जो है बहुत वो एक तरह से हब हुआ करता था स्टोन पेल्टर्स का, जहाँ भी आप लगातार उनका जो है चुनाव में बायकॉट, जब भी इलेक्शन होता था इन सब जगहों पे जो है हुरियत और उनके लोग जो है चुनाव का बायकॉट कर देते थे, हार्डली कुछ परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर इस एरिया में भी आप देखेंगे कि इस बार लोकसभा के इलेक्शन में काफ़ी ज़बरदस्त वोटिंग हुई है, तो इससे लोगों का जो है उत्साह बना हुआ है। और ईदगाह से जो आरिफ रजा खड़े हैं बीजेपी के कैंडिडेट, तो मैंने जैसा कि बताया कि दो कैंडिडेट्स की जगहों का मैं नाम लूँगा, तो ये लाल चौक और ईदगाह, यहाँ पर परिवर्तन ये सिम्बॉलिक है कि
कि बीजेपी जो है वहाँ के जनमानस को, वहाँ के लोकल लीडर्स को किस तरह से आगे बढ़ा रही है, ताकि उनके साथ में मिल के जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, तो उस तरह की स्थितियाँ इन लोगों के इलेक्ट होने के बाद भी परिलक्षित होंगी एक तरह से देखा जाए। धारा 370 समाप्त होने के बाद चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कितना फायदा हो सकता है इसमें? धारा 370 के हटने के बाद ही ऐसी परिस्थिति बनी है कि जो सरकार ने जो है जहाँ की जो 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 इंसर्जेंसी वाली और जो 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 सेपरेटिस्ट एलिमेंट हुआ करते थे उनके खिलाफ जो है एक तरह से कमर कस के उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया, और उसमें ज़्यादातर हुर्रियत के नेता जो कि बात इंसानियत जमहूरियत और कश्मीरियत की करते थे, लेकिन उसके पीछे उन लोगों के जो दूसरे चेहरे हुआ करते थे कि वो सब पाकिस्तान के साथ मिल के जिस तरह की वो अपनी राजनीति चला रहे थे, और पूरे के पूरे जो 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 आप यूँ कहें कि पूरा का पूरा जो एक जो जो युवा वर्ग था, यूथ सेगमेंट था, उसको गुमराह कर रखा था, जिसकी वजह से लगातार हमेशा सरकार की किसी भी स्थिति में किसी भी प्रेजेंस को जो है उसके खिलाफ विद्रोह करना, ऐसा नहीं है वहाँ का यूथ। अगर इस समय क्या हो गया, आपने देखा होगा कि इस समय क्या हो गया है, लोग तिरंगा यात्रा में, ऐसा तो है नहीं कि बाहर से जाके लोग तिरंगा उठा रहे हैं, जाहिर सी बात वहीं के लोग हैं, वहीं का यूथ है, वहीं के बच्चे हैं जो कि इस समय इंस्पायर्ड हैं इस राष्ट्रीयता की भावना से। तो ये परिवर्तन जो है 370 के हटने के बाद से आया है, और 370 का हटना जो है एक स्पेशल स्टेटस का क्या मतलब था, स्पेशल स्टेटस का मतलब ये था कि साहब आपके साथ एक ईगो जो है आपकी सेटिस्फाई हो रही है, अदरवाइज आपको केंद्र से ही सब कुछ मिल रहा था, केंद्र सरकार जो है सब्सिडाइज रेट पे बहुत सारी चीज़ें आपको मुहैया करा रही थी, हर तरह की सुविधाएं जो है वहाँ पर मुहैया कराई जा रही थी, लेकिन उसके बदले में सरकार को और क्या मिल रहा था, सरकार को मिल रहा था हमेशा प्रतिरोध। लेकिन इस समय की स्थिति में वो बदलाव आया है, लोगों ने समझा है, इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो 2022 में जो डिलिमिटेशन हुआ, तो डिलिमिटेशन में जो है कश्मीर में भी यानी वहाँ की वैली में भी एक सीट बढ़ गई, 47 हो गई, और रेस्ट यहाँ पर जो है 43, यानी दोनों मिला के 90 सीट्स जो बढ़ी हैं, 6 सीट्स जो है जम्मू रीजन में बढ़ी हैं। जम्मू रीजन बीजेपी डोमिनेट करती है, और अभी फर्स्ट 2 फेजेज में जो उन्होंने जो जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मैं आपको बता दूँ कि बीजेपी ने 13 कैंडिडेट्स जो है तकरीबन फर्स्ट टू फेजेज के लिए दिए हैं, जिसमें से 8 कैंडिडेट्स जो हैं कश्मीर के लिए हैं वो साउथ कश्मीर में, और 5 कैंडिडेट्स जो हैं सेंट्रल कश्मीर में। साउथ कश्मीर जो है पीडीपी डोमिनेट है, अनंतनाग वगैरह का जो एरिया आता था वो साउथ कश्मीर जो है पीडीपी डोमिनेट करती है, यानी मुफ्ती महबूबा की पार्टी जो डोमिनेट करती है, तो उसको उसके साथ में राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ने के लिए जाहिर सी बात वहाँ की लोकल लीडरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। और उसमें आपने देखा होगा कि आपने कहा कि 370 के बाद क्या परिवर्तन हुआ, तो उसमें देखेंगे आपके जो जो जैसे जमात और हुर्रियत के लोग थे, जमात जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि हार्डलाइनर था, उन लोगों ने 40 साल तक चुनाव का बायकॉट ही किया, और वो बैंड ऑर्गेनाइजर जमात इस्लामी जो बैंड वहाँ पर है, ज़्यादातर वो जो साउथ कश्मीर और वो जो वैली रीजन में उनका प्रभुत्व है रहा है अभी तक, तो वो लोग भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें उन लोगों को लग रहा है कि हम लोग अपने लिए भी अगर अपनी भी बात कहनी होगी तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए ही कहें, तो ये तो आप कहेंगे, इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, बीजेपी ने भी इसको वेलकम किया है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये तो एक ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है, अगर उनका फेथ 30% भी उन लोगों का बना है इसमें, तो दिस इज एक्चुअली ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। जी अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी हमेशा कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है, लेकिन इस बार बीजेपी ने कुछ अलग कर दिया है, तो क्या 3 तलाक वाला मुद्दा इस बार चल सकता है जम्मू कश्मीर चुनाव में? जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि मुस्लिम्स, देखिए मैं आपकी ये बताऊं कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा है शांति स्थापित होना, वहाँ के लिए रोजगार के अवसर पैदा होना यूथ के लिए, और इस तरह की सामान्य स्थिति बहाल हो, कश्मीर का स्टेटहुड रेस्टोर हो, जिसकी बात जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कर रही है। पीडीपी कुछ एक कदम आगे चल के बात करती कि ओरिजिनल स्टेटस बहाल हो और उस तरह की बात हो, और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध नेगोशिएशन शुरू हो, तो वो पीडीपी का अलग अपना एजेंडा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इंडिया ब्लॉक के तहत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो एक तरह से एक साथ जो चुनाव लड़ रही हैं उसका आप देखेंगे कि कल जो है राहुल गांधी जा रहे हैं वहाँ रामबन और अनंतनाग एरिया में,
वहाँ पर एड्रेस करने के लिए, रैली एड्रेस करने के लिए, क्योंकि वो रीजन जो है बीजेपी अभी बाकी जो अपोजिशन डोमिनेटेड रीजन रहा है, तो उसके बाद में क्या स्थितियाँ आएंगी, कि उसके बाद की स्थिति का आप अवलोकन इस तरह से कर सकते हैं कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से डिटर्मिंड है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में उस रीजन को डोमिनेट करने के लिए, और बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि जहाँ तक उसने जम्मू रीजन में अपने को पहले ही मजबूत बना रखा है, और वो उन सब वैली के रीजन में जो है अलायंस करके और इन लोगों के साथ में जाके जो है सख्ती से चुनाव लड़ेगी। और रही बात आपने ओवैसी साहब की बात कही, ओवैसी साहब कश्मीर के सीन से गायब हैं, क्योंकि उनका जो मुस्लिम प्लैंक है, मुस्लिम वोटर्स को जो रिझाने वाला पोल जो इलेक्शन स्ट्रेटजी होती है वो कुछ रीजन तक ही सीमित है। वो बिहार है, आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और बाकी जो उनका आंध्र प्रदेश तेलंगाना का रीजन है, तो वहाँ पर वो डोमिनेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह की वो स्पीच देते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, वो सब वहाँ पर प्रभावी हैं। लेकिन कश्मीर में तो 98% मुस्लिम हैं, तो वहाँ तो वो बीजेपी को गाली दे के भी जम्मू रीजन में उनको वोट नहीं मिलना है, और उनका वहाँ पर उस तरह से एक तरह से देखा जाए तो प्रभुत्व भी नहीं है। तो इन सब स्थितियों में जो है आप ये नहीं कह सकते कि साहब की ओवैसी वहाँ प्रभावी है। ओवैसी वहाँ की एक तरह से देखा जाए वहाँ की राजनीतिक स्थितियों में जो है उनका कोई फिलहाल निष्प्रभावी है वहाँ पर। जी, कांग्रेस का कौन सा मुद्दा इसमें ज़्यादा चल सकता है? और तो कांग्रेस का मुद्दा मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस जो है जिन चीज़ों पर बात कर रही है, कांग्रेस जो है कुछ चीज़ों पर, क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद और रोजगार, आतंकवाद और रोजगार, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए उन लोगों का कांग्रेस का मानना है कि जो वाजपेयी जी के टाइम में इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात थी, उस एजेंडे को जो है मोदी सरकार ने पूरी तरह से लागू नहीं किया है। इंसानियत का मतलब है कि साहब लोगों को जो है अपने इंसान होने पर गर्व होना चाहिए, और जो फेथ होना चाहिए अपनी ह्यूमन वैल्यू में, और जमहूरियत, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो। कश्मीरियत यानी कश्मीरियत का जो वहाँ पर जो लगातार चलती रही है बात की, कश्मीरियत यानी जो सेल्फ, जो प्राइड है कश्मीर में, कश्मीरी होने का, उसको रिस्टोर किया जाए। तो कश्मीरियत के साथ बहुत सारे चीज़ें जुड़ी हैं, कश्मीरियत के साथ जुड़ी हुई है, लोग जोड़ देते हैं कि साहब कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। उससे बड़ी बात एक कदम आगे देखेंगे कि कश्मीर के लोगों को जो कॉन्फिडेंस के साथ जीने का मौका मिले, जीने का मौका मतलब कि अपने दम पे, अपने कदमों पे खड़े होने का, सेल्फ रिलायंट होने का। तो सेल्फ रिलायंट होने में यही होगा कि वहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, बाहर से इन्वेस्टमेंट हो। तो आपने देखा होगा कभी कुछ इस 2019 के बाद में यूएई ने जो है, यूएई से एक डेलीगेशन आया वहाँ पर, 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात हुई। तो ये सब क्या है, ये सब जो नए तरह के अवसर पैदा करने की बात है, रोजगार के अवसर, और वहाँ के लोगों में जो है एक तरह से कॉन्फिडेंस पैदा करना कि जो केंद्र सरकार है वो आपके विरुद्ध नहीं है, आपके लिए ही ये सब काम किया जा रहा है। तो इन सब इस तरह की जो ट्रांसपेरेंट तरीके की अगर व्यवस्था होती है, तभी वो लोग जो है जो कश्मीरियत के साथ में जो है, जो लोग केंद्र के साथ, भारत के साथ जो एक नेचुरल तरीके से जुड़ाव है, तभी इस्टेब्लिश हो पाएगा। जी, तो जम्मू और कश्मीर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी अलग अलग मुद्दे उठाएंगे, लेकिन किसका मुद्दा कामयाब होगा ये चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा। तब तक देखते रहिए पोल पंच।